खबर मध्य प्रदेश की रीवा जिले से है, जहां शाहरुख खान की नवनिर्मित फिल्म पठान का विरोध लगातार जारी है। फिल्म अभिनेत्री के द्वारा पहने गए भगवा रंग के कपड़े और शाहरुख खान के डायलॉग पर राजनीति गरमाई है। विश्व हिंदू परिषद ने रीवा में पुतला फूंका और चेतावनी दी है कि अगर आने वाले समय में शाहरुख खान की फिल्म को कोई भी थिएटर मालिक लगाएगा तो उसका वही हाल होगा जो शाहरुख खान के पुतले का हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं पुतला दहन और सुनाते हैं संगठन के पदाधिकारियों ने क्या कहा है। नारेबाजी करो सुमित, खड़े होने हो गई। जय श्री राम। ये अभी त्वरित में जो पठान मूवी जो रिलीज होने वाली शाहरुख खान की, उसमें भगवा वस्त्र का अपमान जो किया गया है उसके विरोध को लेकर हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता हैं, एकत्रित हुए हैं। उसी के विरोध में यहाँ पे हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं शाहरुख खान का। अभी विगत जनवरी में ऐसा है कि पिक्चर को रिलीज होना है और उसमें जो हीरोइन के वस्त्र दिखाए गए हैं, एक तो पूरी हीरोइन के शरीर में कोई कपड़े नहीं है, जो थोड़े बहुत चड्डी बनियान बिकनी जो भी पहनाई गई है वो भी भगवे कलर की दिखाई गई है। पिक्चर में कुछ जगह शाहरुख खान ये बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जेल में बंद है और जेल में बंद होने में उसको ऐतराज नहीं है, उसको उन कपड़ों से ऐतराज है जो जेल में उसको पहनाए गए हैं। मतलब सरासर हिंदुओं का भगवा का भगवा वस्त्र हम लोग यहाँ धारण करते हैं, भगवा तिलक लगाते हैं, उसका अपमान कर रहे हो। ये ओछी मानसिकता और ये सुनियोजित तरीके से पिक्चरों के माध्यम से प्रचार प्रसार करके और ये लोग त्वरित हिंदुओं का अपमान, किसी भी तरह से हिंदुओं का अपमान हो, इनकी केवल यही धारणा है। तो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। रीवा में अगर फिल्म लगी है, मैं अभी चेतावनी दे रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अभी चेतावनी दे रहा है सभी टाकीज वालों को कि अगर वो पिक्चर लगाते हैं तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी और उसका नतीजा यहाँ ये जलता हुआ पुतला देख लें, इसके बाद अपने विषय में भी सोच लेंगे। हम किसी प्रकार के भी सूचना दे रहे हैं टेली मीडियम के माध्यम से और अपने समाचार चैनलों के माध्यम से, अगर वो पिक्चर लगाएंगे तो यही हाल होगा जो आज इस पुतले का हुआ है। तो वो अपने स्वयं के निर्णय पे लगाएं और इस हालत के लिए फिर गंभीर परिणाम तरसने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोग पिक्चर का विरोध कर रहे हैं, भगवा रंग का कपड़ा जो इन्होंने पहना के और हमारी संस्कृति को कुठाराघात किया है, हिंदू भावना को जो आहत किया है, हम लोग उसके लिए एकत्रित हुए हैं। मतलब जब मन पड़ेगा तुम कुछ भी दिखाओगे, कुछ भी पहना दोगे। उनको मालूम है हिंदू एकत्रित होकर पिक्चर देखने एक बड़ा तबका जाता है और वो यही कहते हैं कि ये सूचना छोटे छोटे उनके माध्यमों से गलत धारणाएँ डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लाल सिंह चड्ढा फिल्म रिलीज होने वाली थी, हिंदुओं ने चड्डी पहना दी है आमिर खान को, और यही हाल आगे का भी होगा। अगर इनके समझ में नहीं आएगा तो इनका बायकॉट इसी तरह से हमेशा करता रहेगा हिंदू समाज। मनीष मिश्रा, जिला मंत्री। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।